नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। प्रदूषण उन प्रमुख मुद्दों में से एक है जो हमारी पृथ्वी को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से चर्चा में है। 21वीं सदी में इसका हानिकारक प्रभाव बड़े पैमाने पर महसूस किया गया है। हालांकि विभिन्न देशों की सरकार ने इन प्रभावों को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। प्रदूषण से कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी आती है। इतना ही नहीं, आज कई वनस्पतियां और जीव जंतु या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रदूषण की मात्रा में तेजी से वृद्धि के कारण पशु तेजी से न सिर्फ अपना घर खो रहे हैं, बल्कि जीने लायक प्रकृति को भी खो रहे हैं। प्रदूषण ने दुनिया भर के कई प्रमुख शहरों को प्रभावित किया है। इन प्रदूषित शहरों में से अधिकांश शहर भारत में ही स्थित हैं। दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली, कानपुर, बामिंडा, मॉस्को, हेज, चेर्नोबिल, बीजिंग शामिल हैं। हालांकि इन शहरों ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन स्थानों की वायु गुणवत्ता खराब है और भूमि तथा जल प्रदूषण के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि इन शहरों से प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए यहाँ मौजूद प्रशासन एक ठोस रणनीति तैयार करके उस पर अमल करे। मूल रूप से प्रदूषण चार प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल, ध्वनि और मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी में प्रदूषण। आइए एक एक करके प्रदूषण के बारे में जानते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। यह मुख्य रूप से वाहनों से गैस के उत्सर्जन के कारण होता है। हानिकारक गैस कारखानों और उद्योगों में उप उत्पाद के रूप में उत्पादित होते हैं। प्लास्टिक और पत्तियों जैसे जहरीले पदार्थों को खुले में जलाने से, वाहनों के एग्जॉस्ट से, रेफ्रिजरेशन उद्योग में उपयोग किए जाने वाले CFC से वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। भारत में सड़कों पर वाहनों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को फैलाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं। इनसे सांस लेने की कई समस्याएं, श्वसन रोग, कई प्रकार के कैंसर आदि जैसी बीमारियां तेजी से पनप रही हैं। दूसरा है जल प्रदूषण। यह आजकल मनुष्यों के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों में से एक है। सीवेज अपशिष्ट उद्योगों या कारखानों आदि के कचरे को सीधे नहरों, नदियों और समुद्रों जैसे जल निकायों में डाला जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्री जीव जंतुओं के आवास को नुकसान हो रहा है और जल निकायों में घुली ऑक्सीजन का स्तर भी घट रहा है। पीने योग्य पानी की कमी जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कुप्रभाव है। लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे हैजा, डायरिया जैसे रोग होने का खतरा होता है। तीसरा है मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी में प्रदूषण। भारतीय आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। इस काम के लिए किसान बहुत सारे कीटनाशक, उर्वरक और अन्य सामान रासायनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं। इनके इस्तेमाल से मिट्टी दूषित होती है और इससे मिट्टी आगे फसल उगाने लायक नहीं रह जाती। इसके अलावा ज़मीन पर औद्योगिक और घरेलू कचरे को डंप किया जाता है, तो यह भी मिट्टी के प्रदूषण में बड़ा योगदान देता है। इसकी वजह से मच्छरों के प्रजनन में वृद्धि होती है, जो डेंगू, मलेरिया जैसी कई बीमारियों का कारण बनती है। ये सभी कारक मिट्टी को विषाक्त बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। चौथा है ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण में योगदान देने के अलावा भारतीय सड़कों पर बड़ी संख्या में मौजूद वाहन ध्वनि प्रदूषण में भी भरपूर योगदान देते हैं। इसके अलावा पटाखे, कारखानों के कामकाज, लाउडस्पीकर की आवाज़ आदि भी ध्वनि प्रदूषण में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये तो थे प्रदूषण के कुछ प्रकार। आइए अब जानते हैं कि कैसे हम प्रदूषण पर अंकुश लगा सकते हैं। हालांकि विभिन्न शहरों के अधिकारी प्रदूषण के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जबकि नागरिकों और आम लोगों का भी यह कर्तव्य है कि वो इस प्रक्रिया में योगदान दें। सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय हैं, जैसे पटाखों का इस्तेमाल न करें, वाहनों का प्रयोग सीमित करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, रिसाइकल या पुनः उपयोग करें, पेड़ लगाएं इत्यादि। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसे हमें जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है, ताकि मनुष्य इस ग्रह पर सुरक्षित रूप से रह सकें। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे को रोकने के लिए सुझाए गए उपायों का पालन करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर और अपने आसपास का सफाई रखें। पृथ्वी को जीवित रखने के लिए हमें इसे प्रदूषित करना बंद करना होगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स।